सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस ने करीब 70 किलोमीटर के दायरे में लगे 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को धर दबोचा है। यह बदमाश मॉल्स एंड हाईवेज के पास पैदल, ऑटो, ई रिक्शा और रिक्शा पर चलने वाली महिलाओं को टारगेट करके डकैती और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। ये बदमाश रॉबरी और चैन स्नैचिंग की 106 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में इन अपराधियों ने दिल्ली के आनंद विहार में एक महिला के बैग को लूटा। इस दौरान महिला के सर पर गंभीर चोट आई है और वो फिलहाल गंभीर हालत में है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पटपरगंज दिल्ली निवासी 41 वर्षीय मनीष उर्फ ऋषि उर्फ बबलू और 34 वर्षीय मोहित गुप्ता उर्फ किकी के रूप में हुई है। 7 फरवरी में ये घटना हुई थी। हमारा क्रॉस रिवर मॉल जो शादरा है, आप ये आनंद विहार उसके सामने हुई थी। उसमें एक महिला का काफ़ी चोट लगी जो वारदात करते हुए, स्नैचिंग करते हुए। इसमें दो बंदे जो अपना जो मोटरसाइकिल है पल्सर 220 cc, उसी में अचानक पीछे से आके जो ई रिक्शा में बैठे हुए हमारा जो विक्टिम है उसका बैग को अचानक छीन लिया है। उसमें काफ़ी चोट लगी उसको हेड में, काफ़ी क्रिटिकल है अभी भी कंडीशन। DCP शाहदरा आर सत्य सुंदरम ने बताया कि 7 फरवरी 2022 को थाना आनंद विहार में FIR संख्या 170/22 धारा 308, 394/34 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा था वो अपनी भाभी पीड़िता के साथ दोपहर करीब 1 बजे क्रॉस रिवर मॉल के पास से ई रिक्शा पर जा रही थी। इस बीच आनंद विहार इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने उनसे पर्स छीनने का प्रयास किया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपियों ने जबरन उनके हाथ से पर्स खींच लिया। इस दौरान पीड़िता सिर के बल नीचे गिर गई। वारदात में घायल होने के बाद से लगातार पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। वो अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। बदमाश महिला का पर्स लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी थी। बेहद गंभीर मामला होने के चलते जॉइंट CP छाया शर्मा ने बदमाशों को दबोचने के लिए DCP शाहदरा आर सत्य सुंदरम की सुपरविजन व ACP विवेक विहार और ACP ऑपरेशंस नेतृत्व में पूरे जिले की लोकल पुलिस के अलावा AATS, नारकोटिक सेल और स्पेशल स्टाफ की 6 क्रैक टीमों का गठन किया। ACP विवेक विहार की देखरेख में थाना MS पार्क और थाना जगतपुरी की क्रैक टीमों को मैनुअल इंटेलिजेंस देखने का काम सौंपा गया था। ACP ऑपरेशंस की देखरेख में थाना सीमापुरी पुलिस स्टाफ, AATS, नारकोटिक सेल और स्पेशल स्टाफ की 6 क्रैक टीमें को टेक्निकल एविडेंसेस तलाशने का काम सौंपा गया था। फाइनली महेंद्र सिंह ACP ऑपरेशन की सुपरविजन व इंस्पेक्टर राकेश रावत AATS शाहदरा और इंस्पेक्टर विकास स्पेशल स्टाफ के नेतृत्व में SI योगेश, विनीत, प्रवेश, प्रशांत, वेदपाल, ब्रह्मपाल, सुखबीर, हेड कांस्टेबल अनुज, सचिन, राजीव, सुधीर, देवेंदर, अवधेश, कांस्टेबल राजेश, नितिन, हैकेश, कुलदीप, सर्वेश, विपिन, जगमोहन, देवनेडर, रोहित, संदीप, कपिल, प्रमोद, अमित और सौरभ की क्रैक टीम ने हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस से बदमाशों को धर दबोचा। जो मौके से हमने अपना जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, शुरू करके काफ़ी CCTV कैमरा, जो 500 से ज़्यादा CCTV कैमरा, कम से कम 70 किलोमीटर का स्ट्रेच में हमने एनालाइज कर फिर इनको हमने ट्रेस किए हैं। ये एनालाइज करने में हमें पता चला इनका काफ़ी सारे जो मूवमेंट है, जो या तो हाईवे में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे में होती है या जो मॉल के सामने होते हैं, जो दिल्ली NCR का जो मॉल्स है जितने भी, उसके आसपास इनका मूवमेंट होती है, वहाँ वारदात करते हैं। इनका मेन टारगेट है जो महिला है, जो हाथ में बैग रखते हैं, पैदल में हो या TSR ई रिक्शा साइकिल रिक्शा में हो, उसी को टारगेट करते हैं। जांच टीम ने क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले तो पता चला कि लाल और काले रंग की बजाज पल्सर 220 cc बाइक पर सवार होकर दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। उनके आने जाने के रास्ते की जांच की गई तो पता चला कि आरोपी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की ओर भागे हैं। जिस रूट से बदमाशों के भागने की आशंका थी, जांच टीम ने उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों, बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे CCTV फुटेजों को खंगाला। जांच टीम ने आनंद विहार से लेकर मेरठ एक्सप्रेसवे और वैशाली तक करीब 70 किलोमीटर के एरिया में 500 CCTV कैमरों को स्कैन किया। इससे पुलिस टीम को आरोपियों के बारे में कुछ सुराग मिले। जांच टीम को पता चला कि वो पूर्वी दिल्ली होते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के रास्ते वैशाली गए हैं। पुलिस को यह भी पता चला कि यह लोग हाईवे पर वारदात को अंजाम देते हैं। इसके अलावा मॉल के आसपास भी ई रिक्शा, ऑटो एवं साइकिल रिक्शा पर जाने वाली महिलाओं को लूटते हैं। छानबीन के दौरान पुलिस ने रणनीति बनाई कि आरोपी मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोबारा जरूर दिखाई देंगे।
बदमाशों की क्राइम करने की मोडस ऑपरेंडी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सेल शाहदरा ने अक्षरधाम मंदिर के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक जाल बिछाया। एक्सप्रेसवे पर आने और जाने वाले मुख्य एंट्री पर चार टीमों को तैनात किया। करीब दर्जन भर टीमों को अलग अलग जगह दिल्ली NCR के मॉल्स के पास एक्सप्रेसवे आने जाने वाले रास्तों पर तैनात कर दिया गया। पुलिस की टीम लगातार बदमाशों पर निगाह रखी थी। दिनांक 11 फरवरी 2022 को एक्सप्रेसवे पर तैनात टीम ने अक्षरधाम साइड से सराय काले खां की ओर जाते हुए उसी सस्पेक्ट लाल और काले रंग की बजाज पल्सर 220cc बाइक को देखा। टीम एक ने आरोपी व्यक्तियों का पीछा करना शुरू किया। टीम एक ने ITO की ओर जा रहे रूट पर टी पॉइंट एक्सप्रेसवे पर तैनात टीम दो को संकेत दिया। टीम दो ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम कर दिया। पुलिस टीम को देखते ही आरोपियों ने तुरंत बाइक वापस मोड़कर रॉन्ग साइड यमुना पुल पर दौड़ा दी। एक्सप्रेसवे पर जैन शिकंजी सराय काले खां साइड पर तैनात टीम तीन को अलर्ट कर दिया गया। टीम तीन ने जैन शिकंजी के पास बैरिकेडिंग कर दी। यहां से भी आरोपियों ने डिवाइडर के राइट साइड की ओर से भागने का प्रयास किया। इस बीच टीम चार ने अपनी जिप्सी से आरोपियों की बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद टीमों ने दोनों आरोपियों को काबू में किया। इस दौरान आरोपियों को चोट भी लग गई। आरोपियों के पास से तमंचा, बाइक व कारतूस बरामद हुए। हमने जो पिछले जो लास्ट इंसिडेंट 7 फरवरी में जो इंसिडेंट हुआ उसमें जो बैग है विक्टिम का बैग उसको हमने बरामद किए। एक देसी कट्टा हमने बरामद किए हैं। बाकी जो जितने भी जो कपड़े पहन रखे थे बाइक यूज़ किए हैं क्रेम करने के दौरान, बाकी जो बैग इनके पास थे एक बैग वो सारे हमने बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मकान नंबर 8228 थर्ड फ्लोर मधु विहार पटपरगंज IP विस्तार निवासी 41 वर्षीय मनीष उर्फ ऋषि उर्फ बबलू पुत्र भूपेंद्र सिंह और फ्लैट नंबर 183 M अपार्टमेंट्स पटपरगंज निवासी 34 वर्षीय मोहित गुप्ता उर्फ केकी पुत्र राजीव गुप्ता के रूप में हुई है। मोहित वर्तमान में नोएडा में किराए के मकान में रहा है। पूछताछ के दौरान दोनों बदमाशों ने आनंद विहार क्रॉस रिवर मॉल पर वारदात करने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी के पास से महिला का लूटा गया बैग, वारदात में इस्तेमाल बाइक, एक देसी कट्टा, दो हेलमेट और आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े बरामद कर लिए हैं। DCP शाहदरा आर सत्यसुंदरम ने बताया कि वर्ष 2016 में तिहाड़ जेल के अंदर मनीष और मोहित की मुलाकात हुई थी। इसके बाद वो साथ में वारदात करने लगे। मनीष 2008 से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। उसके खिलाफ 106 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अपराध के पैसों से मनीष ने एक फ्लैट और इको वैन भी खरीदी है और वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पीतमपुरा, रिठाला, बौद्ध विहार, रोहिणी, मंडावली, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, रामनगर और करनाल में अपने ठिकाने बदल लेता था और पुलिस जांच को गुमराह करने के लिए अलग अलग नामों का भी इस्तेमाल करता था। स्पेशल सेल में दर्ज हत्या प्रयास के एक मामले में उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। दूसरा आरोपी मोहित गुप्ता हैबिटुअल रॉबर है। इसके खिलाफ दो मामले दर्ज हैं। मोहित गुप्ता कुछ समय पहले ओला उबर में ड्राइवर के रूप में काम भी करता था। मोहित अविवाहित है और कुछ साल पहले मोहित बैंकॉक में बावर्ची एंड बार के नाम से बार चलाता था। उसका दिल्ली में एक रेस्टोरेंट भी था। यही नहीं, दिल्ली में उसका एक फ्लैट भी था, लेकिन बुरी संगत में रहकर वो अपराध की दुनिया में उतर गया। वर्तमान में किराए के मकान पर नोएडा में रहता है। अपने सहयोगी मनीष की तरह मोहित भी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना पता बदल लेता था और जांच को गुमराह करने के लिए अलग अलग नामों का भी इस्तेमाल करता था। मोहित ओला यूबेर में बाइक भी चलता था। आरोपी मोहित ने कुछ साल पहले दिल्ली में अपना फ्लैट बेच दिया और अपने दोस्तों को पैसे ब्याज पर दिए, लेकिन किसी ने पैसे वापस नहीं लौटाए। कोरोना के कारण रेस्टोरेंट व्यवसाय में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, इसलिए रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी बंद कर दी। आरोपी मोहित क्राइम से पैसा कमाकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की योजना बना रहा था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।